हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बिलाल आकाश और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको इजी टेक के अंडर कोई डम जो रीड करते हो आप, रीड की हुई डम होती है, जैसे कोई कहाँ से आप डम डाउनलोड करते हो और या फिर आपने किसी डम को रीड किया, लाइक ऐसे 16 GB की डम रीड की या 4 GB की डम रीड की या 8 GB की डम रीड की, वो डम के अंडर फुल सारे पार्टीशन नहीं आते हैं। आप सब जानते हो सारे पार्टीशन उसके अंदर नहीं आते, और वो पार्टीशन कौन से आते हैं वो आप देख नहीं पा रहे क्योंकि वो फाइल डॉट बिन के अंदर होती है। तो उसके अंदर कौन से पार्टीशन है वो देखने के लिए आप क्या करोगे, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और ये वीडियो मैं आपको EasyTech और UEFI दोनों में दिखाऊंगा, क्योंकि जो EasyTech के यूज़र है उनको भी हेल्प हो जाए और UEFI के जो यूज़र है उनको भी हेल्प हो जाए। जो हम डंप रीड की हुई है और डंप के अंदर कौन से पार्टीशन आए हुए हैं, लाइक एज सिक्योरिटी पार्टीशन या फिर कोई वर्किंग पार्टीशन। आप जानते हो कि डंप मारने के बाद सेट को कंपलसरी फ्लेस करना रहता है, तो उसके लिए इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं एवरी 100 सब्सक्राइबर पर एक न्यू वीडियो, यानी मैं एवरीडे न्यू वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास टाइम नहीं रहता उतना, और ट्रेनिंग भी चालू रहती है। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ हार्डवेयर की, एंड्रॉयड की, चीप लेवल पे। और ट्रेनिंग के लिए, मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास 30% हार्डवेयर नॉलेज और 70% सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए, तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग नहीं देता, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मुझे कॉल मत करो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देता हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए, 21 अगस्त से मेरी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है, जिसका बुकिंग अभी भी स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट पे आप विजिट कर सकते हो। इसके ऊपर मेरे नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर पे आप 2000 दे के बुकिंग भी करवा सकते हो अपनी सीट। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट मेरे कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए हम EasyTech प्लस बॉक्स, तो ये बॉक्स है EasyTech प्लस, वो बॉक्स को हमको लगाना है। EasyTech प्लस बॉक्स को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर हमको जाना है, दो ऑप्शन आएंगे वहां पे, रीड बाय वेंडर के अंदर जाना है। अभी EasyTech प्लस बॉक्स ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, कभी कभी कॉल नहीं अटेंड कर पाया या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया, तो वेट करो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं EasyTech प्लस हमारा जो ओपन हो चुका है, इसको ओपन कर यहाँ पे आपको जाना है रीड बाय वेंडर के अंदर। फिर जिस सेट की आपकी डंप है उसका CPU आपको ऑलरेडी पता होगा, वो CPU आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका जैसे मेरे पास Lenovo A6000 की डंप पड़ी है, वो डंप 1 GB की है, आपको मैं दिखा देता हूँ। Lenovo A6000 की डंप, ये डंप फाइल के अंदर Lenovo A6000 की डंप, ये देख लो, ये डंप जो है उसके अंदर ROM 2 ROM 3, हमको सिर्फ ROM 1 का जो मेन ज़्यादा होता है वो ROM 1 होता है, उसकी प्रॉपर्टी आप दिखा देता हूँ 1 GB है। अब ये 1 GB के अंदर उसके कौन से पार्टीशन आए हैं वो कैसे जज करना है, तो आपको जाना पड़ेगा रीड बाय वेंडर में। वहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है, Qualcomm फाइन पार्टीशन में जाना है, या अगर आपने EMMC रखी हुई है तो फ्रॉम डिवाइस करना है। अगर आपने EMMC नहीं रखी और डंप देखनी है तो फ्रॉम इमेज करना है। फ्रॉम इमेज के अंदर जाके वो जो ROM 1 है उसको सिलेक्ट करो। ROM 1 सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सारे पार्टीशन उसके अंदर जो हो गए वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। देखो सिस्टम कैच और हाइडन यूजर डेटा, ये जो पार्टीशन है जो बड़े लेवल बड़ी साइज के होते हैं जो रीड नहीं हुए हैं डंप के अंदर, तो 1 GB जो डंप है उसके अंदर कितने पार्टीशन आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। कुछ पार्टीशन क्या होता है कि जो हमारी पूरी रोम है, जो फ्लैश फाइल है, वो 3 ROM में बट जाती है, ROM 1 ROM 2 एंड ROM 3। अगर आपको और पार्टीशन देखने हैं कि ROM 2 के अंदर कौन से पार्टीशन आए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ROM 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो पार्टीशन ROM 2 के अंदर हो गए वो भी यहाँ पे आपको इजीली सो जाएगा, जैसे बूट लोडर अभी है नहीं इसके अंदर,
ठीक है, तो रोम 2 एंड रोम 1 यहाँ पे आप पेच कर सकते हो और आप देख सकते हो। अभी मैंने आपको जो क्वालकॉम का दिखाया वही चीज़ मैं अभी आपको सैमसंग J7 मैक्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे वेंडर में सैमसंग सिलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम इमेज में जाऊँगा और यहाँ पे J7 मैक्स की जो डम फाइल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देख लो J7 मैक्स का पूरा जो डम फाइल है उसके अंदर से कौन से पार्टीशन इसके अंदर रोम 1 के अंदर रीड हुए हैं वो क्लियरली आपको दिख रहा है। और क्लियरली आपको दिख रहा है। अब मैं आपको यही चीज़ UEFI के अंदर कैसे करते हैं ये इससे आपको जजमेंट आएगा कि इसके अंदर सिक्योरिटी पार्टीशन आए हैं या नहीं आए हैं या बूटअप फाइलें आई है या नहीं आए हैं, वो आप मेरे से बेटर जानते होंगे तो आप लोग वो तो जजमेंट ले ही लोगे। तो ये जस्ट आपको दम को कैसे एक्सट्रैक्ट करके देखना है उसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको UEFI के अंदर दिखाता हूँ कि UEFI के अंदर वो जो डंप है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए मैं इजी डायरेक्ट प्लस बॉक्स को मैं निकाल रहा हूँ। ये UEFI बॉक्स है, आप सब लोग जानते हैं UEFI बॉक्स को तो देखा ही होगा। ये UEFI बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। UEFI बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई डंप को एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूजर पार्टीशन के अंदर। ये यूजर पार्टीशन जो रीड बाय वेंडर इजी टेक में वही चीज़ है ये यूजर पार्टीशन। अब यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डबल क्लिक टू ड्रॉप यूजर एरिया, मतलब हम किसी भी डंप का यूजर एरिया जो है वो यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे या फिर वहाँ पे हम मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ, ये डम्प फाइल है, ठीक है। ये डम्प फाइल के अंदर जैसे जो A3S की डम्प है उसमें ROM1 जो मैंने कितने GB का रीड किया हुआ है यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। 8 GB का जो होता है 32 GB की है मेमोरी, लेकिन ये 8 GB के अंदर कौन से पार्टीशन मेरे रीड हुए हैं वो देखने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप डम्प को ड्रॉप करोगे ये देख लो इतने सारे पार्टीशन इसके अंदर से रीड हुए हुए हैं, वो पार्टीशन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब जो डंप आपने रीड की हुई है वो कैसे क्या क्या चीज़ उसके अंदर से रीड हुई है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से पार्टीशन रीड हुए हैं। और उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी डंप सही तरह से रीड हुई है या नहीं रीड हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा डंप हो सके तो बड़ी बनाओ ताकि अपनी बूटअप फाइलें जो हो सके वो ज़्यादा आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और लाइक करो। एवरी 100 सब्सक्राइबर जब मेरे बढ़ जाएंगे जो अभी है उससे 100 हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो मैं वापस एक न्यू वीडियो लॉन्च करूँगा जिसके अंदर आपको नई और ट्रिक मिलेगी। और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है भाई दोस्तों। ट्रेनिंग के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, नीचे बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दो सब्सक्राइब करके, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सअप मैसेज है भी कर सकते हो, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हो। मैं वैसे गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ, गुजरात सूरत से बहुत सारे बंदे कॉल करके पूछते हैं सर आप कहाँ से हो, तो मैं गुजरात सूरत से हूँ, मेरा नाम बिलाल है, ठीक है। तो बिलाल आकाश फुल नेम है, मेरी फेसबुक आईडी भी बिलाल आकाश के नाम से है, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड भी बन सकते हो, तो फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हो। ओके दोस्तों, बाय।